जितना शुरू होया इस यूनिवर्सिटी आखिर तक जितना गया आखिर तक जितना गया जित छद के गया छद तो बाद भी एक साल आया तो जिता के गया ते फिर कहता अज तो बाद नहीं आऊंगा क्यों क्यों क्योंकि हकों की लड़ाई लड़ता सीगा ते विद्यार्थियों जिधर उंगल कर देता सी के वोट है मनीष आनंद खड़ा सीगा मैं हाई कोर्ट च प्रैक्टिस कर लग गया मान साहब हाई कोर्ट च प्रैक्टिस कर लग गया कहते जी तेरा तेरे ते बन गई इलेक्शन के इन्ने साल के बुढ़े इन्होंने यूनिवर्सिटी की गुंडागर्दी की है ते तुहाडे तो बिना नहीं इत्थे इलेक्शन लड़ी जानी आके पांच होस्टलों एक स्टूडेंट सेंटर इको गल कही भी जे असी गुंडागर्दी की है तो मनीष आनंद नूं वोट नहीं पाउणी ते जे विद्यार्थी दे हक्कां दी लड़ाई लड़ी है तो इहनूं पाउणी है ते पता कर लिओ मनीष आनंद किन्ने हजार ते जित्तिया सी इह हुंदा अज वी और तुसीं कॉन्स्टीट्यूशन दे विचों एमएलए ते एमपी नूं बाहर कर दोगे सत श्रीकाल जी मैं एस एफ एस तो हाँ पवनजोत तो अज असी सारे इतने दो मुख मसलों लैके इकट्ठे हुए हैं और पहला हैगा सैनेट के जिहड़े इलैक्शन बहाल करो दूजा हैगा यूनिवर्सिटी रीओपन वास्ते यूनिवर्सिटी पिछले एक साल तो मार्च 2020 तो बंद है तो सैनेट के इलैक्शन भी 9 महीने यूनिवर्सिटी बिना सैनेट तो ऑपरेट कर रही है हुण जिहड़ा भी मुख मसला सैनेट का इलैक्शन बनिया पिया पिछले असी अज साडे लगातार डे एंड नाइट प्रोटेस्ट चलते हैं 2 हफ्ते हो गए हैं 12-13 दिन हो गए हैं तो हुण तक अथॉरिटीज़ वालों कोई भी पॉजिटिव रिस्पोंस नहीं है इहनूं लैके हुण जिहड़ा सैनेट का इलैक्शन है पहला तो एक साल तो टाल मटोल चल रहे इलैक्शन कंडक्ट ही नहीं करवाए जा रहे थे हुण जदों कि इलैक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं बकायदा डेटा आ गई है तो 18 तरीक जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलैक्शन होने से वो इन्होंने पोस्टपोन करवाते हुण ये खास तौर पर समझे जाए भी मतलब भी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी नाल इन्हां दा की रोल है हुण जिहड़ी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो खास तौर पर स्टूडेंट दे जिहड़े डिमांडां ने उहनूं लैके सेंसिटिव है पिछे भी आपां देखिए जो फी हाइक का मसला होया सी ते जिहड़ा कुड़ियां दा हॉस्टल 24/7 करवाउण दा मसला होया सी उहदे विच भी सारे मसले ये सैनेट दे विच जाके हल हुंदे ने हुण जदों पिछले 9 महीनों तो सैनेट है नहीं उन नाल की हो रहा भी यूनिवर्सिटी का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आ वो खराब हो रहा वो खत्म हो रहा है तो सारी पावर की सेंट्रलाइजेशन बीसी कोल है हुण पावर जदों सेंट्रल होगी तो आप देखिए यूनिवर्सिटी खिलाउण दे चाहे मसले होण चाहे लाइब्रेरी खिलाउण दे मसले होण सिर्फ बीसी हो गए DSW ये आपकी तानाशाही दिखाते हैं हुण पिछे जे की होया सी हॉस्टल्स विचों इन्होंने करोना की आड़ दे विच बच्चों खास करके कुड़ियों नूं टारगेट करके कढ़ना शुरू करता हुण उहदे विच कोई सुनवाई नहीं हैगी बच्चों की सुनवाई सैनेट के थ्रू होगी सीधा अथॉरिटी बच्चों की गल सुनती ही नहीं हैगी तो उस करके मतलब सैनेट के इलैक्शन साढ़े लिए जरूरी ने हुण नाल ही रीओपन की जो गल करिए हुण रीओपन क्यों नहीं कर रहे हुण रीओपन ने यह है भी बच्चे आउणगे डिबेट डिस्कशन करनगे सैनेट के इलैक्शन की मांग करनगे सैनेट विच आपदे नवीं डिमांडा रखणगे तो पिछले साल जिहड़ा रिसर्चर्स का नुकसान होया ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੀਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਉਦਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਹੈਗੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੇ 13 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਅਸਲ ਸਿਰਫ 13 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਨ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ
आरएसएस दे बीजेपी दे जिहड़े एजेंडाज ने उन्हां नूं लागू कीता है। इसे लिए सैनेट उन्हां दे राह दे विच सब तो वड्डा रोड़ा है, क्योंकि जदों अज तो 3 साल पहला ये वाइस चांसलर लगाया गया उस वेले इन्हां ने आपदियां कुछ नीतियां लागू करन दी कोशिश कीती, तां उस वेले इसे सैनेट दे विच इह बोल के गया सी इन्हां दा मंत्री सोम प्रकाश भी जे असीं 370 खत्म कर सकदे हां तां असीं सैनेट नूं भी खत्म कर सकदे हां। इसे तरहां अज ये लड़ाई जिहड़ी चल रही है, हुण इन्ना लंबा संघर्ष जिहड़ा हो गया है, वो इसे यूनिवर्सिटी नूं इस सैनेट नूं साडे विद्यार्थियों की इस यूनिवर्सिटी नूं बचाउण की लड़ाई है। इस नूं लैके इस संघर्ष विच अज सानूं हर वर्ग तो संयुक्त मोर्चे तो साढ़े लोगों तो हमायत मिल रही है, तो चंगी गल है। तो हुण असीं यह भी कहना चाहते हैं भी जदों असी कल्ले खड़े से असी उदों ही डोले, तो अज साडी धरोहर जिहड़ी यूनिवर्सिटी है अज जदों सारे वर्ग साडे नाल आके खड़े हो गए ने, एड्डी हमायत सानूं मिल चुकी आ, तो हुण असी किवें डोल जाएंगे। तो ये भाजपा वाले बीजेपी वाले जिन्नी मर्जी कोशिशां कर लैण, सैनेट दीआं चोणां इन्हां नूं करवाउणियां पैणियां ने। इन्होंने भावें सोच रखी है, ये सिक्ख्या नीति लागू करना चाहते हैं जिदे अंदर भगवाकरण केंद्रीकरण तो निजीकरण पूरे जोर शोरों नाल ये लागू करना चाहते हैं, पर फिर भी विद्यार्थी ने वो डटे हुए ने अपने मोर्चे से, तो आने वाले समय के यूनिवर्सिटी भी खुलवाएंगे तो सैनेट दी गल तो है कि तुम कह रहे हो कि सेंटर पूरा जोर पा रही है कि प्राइवेटाइजेशन का ध्यान प्राइवेटाइज किया जाए यूनिवर्सिटी से, तो तुम की कहोगे सर पंजाब सरकार का किस तरह का योगदान है प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है पंजाब सरकार? बिल्कुल, पंजाब सरकार के स्कूलों की हालत देख लो, पंजाब सरकार फंड नहीं देंदी यूनिवर्सिटी में। आपां इह नहीं कह रहे, आपां इह कह रहे भी इस वेले केंद्र सरकार का एजेंडा कुछ हो रहा है यूनिवर्सिटी में लैके, वो केंद्रीकरण आपके हाथ च ही लेना चाहती यूनिवर्सिटी जिहड़ी चाहती है वो गल अलग है, हुण जिहड़ी यूनिवर्सिटी है वो पंजाब सरकार के अंदर है। नहीं नहीं, एक कन्फ्यूजन है, ये यूनिवर्सिटी ना पंजाब दी सरकार दे अंडर इस वेले ना सेंटर दे, इधर इशू है 60-40, यह डेमोक्रेटिक यूनिवर्सिटी है, ये सैनेट कंट्रोल करती है, तो सैनेट नूं खत्म करनी है केंद्र सरकार कोशिशां कर रही है, वो चाहती है भी पंजाब दा जिहड़ा शहर है जिहड़ी सैनेट है उन्हें खत्म कर दिता जाए, तो उहदी जगह पर इत्थे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाया जाए जिहदे 10, 11, 15 जिन्हें भी मैंबर ने वो लागू किए हन, तो केंद्र नियुक्त करदा बंदे तो उही बंदे सारा कुछ चलाउणे, फीस वधाउणी होवे, आपदे सिलेबसां सोधा करनियां होण, मैनेजमेंट च आपदे बंदे बिठाउणा होवे, सारा कुछ इस यूनिवर्सिटी विच अपने एजेंडे जो लागू करना चाहते। मेरा नाम चरणजीत सिंह है, मैं साथी जथेबंदी का आगू हाँ, मुख सेवादार हाँ, तो तुहानू पता है कि यूनिवर्सिटी 2 सालों तो बंद रही है, तो पर जिहड़े यूनिवर्सिटी के जिहड़े सर स्कॉलर ने उन्हां दे हिमायत दे नाल यूनिवर्सिटी के जिहड़े स्कॉलर वो आए ने होस्टल खुलाए ने, तो अपना सर्च कर रहे, तो इत्थों तक सर्च स्कॉलर नूं लाइब्रेरी खुलाउण वास्ते भी सानूं 15 दिन संघर्ष करना पिया। फिर बाद स्टैप आउंदा नवंबर 12 नूं, इन्हां दा एक अनाउंसमेंट आउंदी है कि जिहड़ियां सैनेट दीआं वोटां ने वो अग्गे कीतीआं गईआं, ठीक है, उदों करोना की आड़ दे करके ते वधेरे टाइम ले लिया गया, ठीक है, 2 महीने लंघे, 3 महीने 3 महीने लंघे, फिर बाद 6 महीने लंघन तो बाद फिर बाद 4 तरीकां दित्तियां सी सैनेट दीआं, वो 4 तरीकां लंघियां, तो लास्ट फाइनल की गई सी 18 तरीक की, तो 18 तरीक फाइनल हुई, जो सैनेट से अपने कैंडीडेट नूं मिलदे सी जाके वोटों बारे अनाउंसमेंट करते, ठीक है, फिर बाद 13 तरीक नूं अपना खुद मुख्तियारी वाला आप उदरापन इन्होंने दिखाया संघी वीसी ने कि फिर जिहड़ियां 18 तरीक दीआं जिहड़ियां वोटां पैणियां सी उह पोस्टपोन कर दित्तियां गईआं। फिर जो जिहड़ा सैनेट दा काम है, सैनेट दा काम है कि वीसी एक मेन स्ट्रीम होण चल रही है, मेन पावर वीसी कोल ही रह गई, हुण सैनेट दा काम है कि जिहड़ी पावर है वह थाएं थाएं वंडी होई सी, ठीक है, हुण कल्ला वीसी इस यूनिवर्सिटी नूं चला रहा है तो अपने आप उदरीपन दे नाल चला रहा है, तो इन्हां कारणां करके अज तक जिहड़े मास्टर डिग्री है ग्रैजुएशन वाली डिग्री है वो अज तक क्लासिस तो खोल नहीं पाइया, तो जिहड़ी स्टडी हुई वो तो ऑनलाइन हुई, तो तुहानू पता है ऑनलाइन स्टडी कोई एवें दी स्टडी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री कोई उहदे ते बनावे ते वो स्टूडेंट दे फैक्ट दसे, ठीक है, तो उस स्टडी दे पिछे कोई खर्चा नहीं है कोई, फिर भी इन्होंने जिहड़े फीसां वो पूरियां फुल दे फुल पटा लईआं, ठीक है, सैनेट ना होने दे करके इन्हें संघी वीसी ने अपने अपने बंदे नोमीनेट किए ने, DULI DSW नोमीनेट किया है कि इतों तक सैनेट के 36 मैंबर नोमीनेट होकर आएंगे बिना इलैक्शन तो, ते जो ये पूरा एक डेमोक्रेटिक राइट नूं तोड़ रहे हैं, तो जिहड़ी
पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये पंजाब दी खिते ते सिर जमीन ते बनी बसी हुई है। तो उस पंजाब यूनिवर्सिटी का ना ही इन्हों रड़क रहा कि यदा ना पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों है, तो इनू किस तरीके सेंट्रलाइजेशन किया जाए। तो सेंट्रलाइजेशन जदों हो गया, एक मेन पावर बंदे तो आ गई, एक बंदे तो आ गई पावर, तो फिर अगे की हो जाएगा, प्राइवेट प्राइवेट किया जाएगा। तो प्राइवेट तो बाद जिहड़ियां फीसां होणगियां वह आसमान नू छूणगियां, ठीक है। तो फिर जिहड़ी आर्थिक मंदहाली आएगी स्टूडेंट लई, हुण ते किसी की फीस माफ हो जाती है, किसी की कटौती हो जाती है, हुण ते सरकार दे नाते कीती जा सकती है। फिर बाद दे विच एक व्यापारीकरण हो जाएगा, तो फिर उही बंदा इत्थे पढ़ सकदा है जिहड़ा पूंजीपति है, उही बंदा पढ़ सकदा जिहड़ा सरमाएदार है। अगे की कीता जांदा है, जिहड़ा मनुस्मृति दे विच जातिवाद दे आधार ते विद्या तो वांझा रख्या जांदा है, तो हुण उसे मनुस्मृति का दूजा रूप एक व्यापारीकरण किया गया, ठीक है ना। कोई आम बंदा, आम गरीब, दलित परिवार तो इत्थे कोई पढ़ाई कोई आसानी दे नाल कर नहीं सकता। ये इस कारण करके जो सैनेट दी वोटां करवाउणियां बनदियां वा, तो जो चैक बैलेंस जिहड़ा सैनेटर जां सिंडीकेट वह करते रहेंगे। धन्यवाद। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਤਿਮਾਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।